दोस्तों, मैं मनवानी फिल्म्स की तरफ से सुबोध नंदिनी। पेश है हमारा कार्यक्रम जिसमें हम विठ्ठल भाई जी से उनके कुछ सुनहरे पलों के बारे में जानकारी लेंगे। हमारे साथ बातचीत में शामिल है अशोक मनवानी जी। झूठ बोले कौवा काटे जिससे एक पहचान आपकी पूरे हिंदुस्तान के परिदृश्य, जो मनोरंजन जगत का परिदृश्य है, उसमें आपकी अलग पहचान उभर के आ गई और सागर मध्य प्रदेश की भी पहचान उससे उभर के आ गई। तो पहली बार जब आपने वो फिल्म में गीतकार की हैसियत से आपने हिस्सेदारी की और शामिल हुए, उसके बाद फिर आपका राज कपूर जी से संबंध और आपके संपर्क और प्रगाढ़ होते गए, उसके बारे में बताएं। जब मैं बॉबी में लिख रहा था जी, तब लक्ष्मी प्यारे टॉप पर थे जी, और उनके राइटर थे आनंद बख्शी। एक दिन आनंद बख्शी ने लक्ष्मी प्यारे से कहा, ये बच्चन भाई कहाँ से आ रहे, हम तो नहीं देखेंगे। राज कपूर था, शाम को अच्छी शराब पी थे। बोले, मुकेश जी जाओ उन बाजे वालों से कह दो विठ्ठल भाई नहीं तो लक्ष्मी प्यारे नहीं, बॉबी नहीं। और ये जज्बा, ये जिगर राज कपूर का था, जो नंबर वन म्यूजिक डायर के सामने ये बात कह सके। मुकेश जी ने जाके समझाया, विठ्ठल भाई अच्छे राइटर, उनको आपको कब ऑब्जेक्शन। आखिर एक और राइटर ले लो, इस पर समझौता हुआ। बख्शी को ये डर था कि नया राइटर आए कि उनका गाना हिट ना हो जाए, इसलिए वो डरते। सत्यम श्याम सुंदरम का भी वो गीत जो है, रंग महल के 10 दरवाजे, वो भी आपकी जो लोक जीवन है, बुंदेलखंड का जो समाज है, यहाँ की जो स्थानीय संस्कृति है, उससे प्रेरित है, उससे होकर प्रेरित होकर ही आपने लिखा, और उस गीत को भी काफ़ी लोकप्रियता मिली। और अन्य फिल्मों में फिर आपने धर्मवीर, हत्यारा और दरिया दिल तक ये सिलसिला चला। सन्यासी के गीत भी काफ़ी कर्णप्रिय हुए और उनके बोल ऐसे थे कि बरबस लोग गा उठते थे, गुनगुना उठते थे। आपसे भी हम अपेक्षा करेंगे, गुजारिश करेंगे कि अभी थोड़ी देर बाद आप हमें ज़रूर सुनाएंगे, गुनगुनाएंगे कुछ। मैं आपसे कहूँगा कि वो अपनी बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। अभिनय के बारे में क्या आपसे? फिल्म बॉबी में नहीं है। हाँ, बताइए। राज कपूर की अक्सर फिल्म में उनके साथियों ने अभिनय किया, शलन जी ने, मुकेश जी ने। उनकी नजर थोड़ी मुठभर थी, उनका प्यार भी था, स्नेह भी था, लेकिन मुझे पसंद नहीं। अभिनय में आपकी कोई दिलचस्पी नहीं थी और आप राजनीति में तो स्वाभाविक रूप से थे ही, और ये तो आपकी एक रुचि थी, गीत लेखन, काव्य रचनाएं पेश करना, कवि सम्मेलनों में जाना। कवि सम्मेलनों में आप काफ़ी उस समय सक्रिय भागीदारी किया करते। जी रखा।